हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपके लिए फिर से एक और नए जान का डोरमेट बताने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने दो कलर लिए हैं और मैंने 9 नंबर सिलाई ली हुई है। इसी से मैं आपको बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सिंपल सा डोरमेट बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। जिसके लिए हमने यहाँ पे येल्लो कलर का एक गोला लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर से दो गोले लिए हुए हैं। आप इसी तरह से गोले ले लें और इसे आप पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी बना सकते हैं। मैं आपको वूल में बता रही हूँ और ये आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, टेबल मैट की जगह या पूजा आसन की तरह या डोर मैट की जगह। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ ये प्यारा सा हमारा डोर मैट आपको कैसा लगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे और यहाँ पे हम सिंपल ही फंदे डालेंगे। ये देखिए इस तरह से, एक एक दो तीन चार पांच, इसी तरह से हम यहाँ पे फंदे ले लेते हैं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 30 फंदा ले लिया है। आपको जितना बड़ा चाहिए आप अपने हिसाब से फंदे डाल के इसको बना सकते हैं। जैसे कि आप 40 फंदों में या 50 फंदों में, अगर आप पुरानी चुन्नी और साड़ी से बना रहे हैं तो 30 फंदे का भी आपका काफ़ी बड़ा बनके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए 30 फंदों में आपको बता रही हूँ और शुरू से ही हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये एक सिलाई बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये 30। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने 30 फंदे अपने डाले हुए हैं और एक सिलाई हमने बना ली है। एक सिलाई बनाने के बाद हम आगे हैं उल्टी तरफ, तो उल्टी तरफ से हम इसमें अपना दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए दो फंदे मैं इस कलर से बना लूँगी। ये देखिए मेरा चॉकलेटी कलर है, तो दो फंदे हमने बनाए और आगे का फंदा हम येल्लो से ही ये देखिए बुन लेंगे इस तरह से। ये ब्राउन कलर से मैंने दो गोले लिए हुए हैं, तो एक दो फंदा मैं लास्ट वाला इस कलर से ही यहाँ पे बनाऊंगी। ये देखिए, छब्बीस फंदे मैं येलो कलर से बुन रही हूँ। ये देखिए, छब्बीस फंदे मैंने येलो से बुन लिए हैं और आगे का फिर से मैं दो फंदा अपना ये देखिए फिर से अपना ब्राउन कलर से बुन लेंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से, और लास्ट का फंदा हम ये देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसको हम दो फंदों को और 26 फंदे सीधी सिलाई में येलो कलर से बुन लेंगे। तो आइए मैं इनको सीधी सिलाई को बना के यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ। कि मैं यहाँ पे बनाते हुए लास्ट में आ गई हूँ। अब ये दो फंदे हम इस कलर से बुन लेते हैं और ये लास्ट वाला फंदा
पीछे धागा करते हुए सीधा बनाना है इस तरह से। अब ये देखिए हम आगे हैं, अब यहाँ पे हम इसी तरह से दो दो फंदे अपने ब्राउन कलर से बनाते हुए जाएंगे और येलो कलर को आप कम करते हुए जाएंगे। बीच में हमारे दोनों साइड से येलो कलर कम होता हुआ जाएगा और हमने उल्टी साइड से ही डिजाइन को बनाना है। जैसे कि हमने ये देखी, अब यहाँ पर चार फंदे हो चुके हैं। इसी तरह से हर सिलाई पे दोनों साइड से फंदे हमारे येलो कलर के कम होते हुए जाएंगे। तो देखिए इस साइड भी मैं दो फंदा अपना येलो से ही बना लेती हूँ, सॉरी ब्राउन कलर से ही बना लेती हूँ। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा और इजी सा डिजाइन है, बनने के बाद काफी सुंदर लगेगा। ये देखिए इस तरह से हर बार इसी तरह से हमने बनाना है। सीधी सिलाई में हम पूरा इसको सीधा बनाएंगे। तो इसको हम बनाते हुए यहाँ तक बीच में आ जाते हैं, जब हमारे दो फंदे रह जाएंगे येलो कलर के। इसके बाद हम आपको फिर दिखाएंगे, हर बार उल्टी सिलाई पे हमने दो दो फंदे दोनों साइड से येलो के ब्राउन कलर से बना लेने हैं, चॉकलेटी कलर से। तो आइए मैं बना लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इतना बना लिए हैं इसको। अभी यहाँ पे छह फंदे हैं येलो कलर के। तो देखिए लास्ट का हम आपको दिखा रहे हैं, उल्टी तरफ से ही हमने डिजाइन को ये देखिए बना रहे हैं। अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं, आपको जो भी कलर पसंद है। और इस तरह का डोरमेट आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो फंदा भी अपना ब्राउन येलो कलर का ब्राउन कलर से बना लिया है। ये देखिए हम ऊपर की तरफ चले गए हैं। अब यहाँ पे दो फंदे येलो से कर लेते हैं और इस साइड भी हम दो फंदा अपना इसी कलर से बना लेते हैं। ये देखिए तो बीच में येलो कलर के दो फंदे रह गए हैं। ये देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा हमारा जैसा है उसी कलर से हम इनको बनाएंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे दो फंदे ब्राउन येलो कलर के रह गए हैं और सभी फंदे दोनों साइड से ब्राउन कलर से हो चुके हैं। ये देखिए, अब ये देखिए मैं उल्टी तरफ से अपना, जैसे कि हम ऊपर की तरफ गए थे, अब उसी तरह से हम नीचे की तरफ आएंगे और येल्लो कलर के फंदे अब बढ़ेंगे और ब्राउन कलर के कम होंगे। तो देखिए किस तरह से, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फंदे मैं बुन ली हूँ। अब ये दो फंदे अपना ये येलो कलर से इस तरह से येलो कलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से, अब येलो कलर के दोनों साइड से जिस तरह से कम हुए थे उसी तरह बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस साइड से भी हम दो फंदा येलो से ही बनाएंगे और 12 फंदे हम इसी कलर से बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब उसी तरह से येलो कलर के फंदे बढ़ेंगे और ये वाले फंदे कम होंगे। जिस तरह से हम ऊपर की तरफ गए थे उसी तरह हम अब नीचे की तरफ आएंगे येलो को बनाते हुए। और सीधी सिलाई में तो जो फंदा जैसा रहेगा उसी कलर से हम इसको बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, तो देखिए मैं यहाँ तक अपना, जैसे ही मैं यहाँ से शुरुआत की थी उसी तरह से यहाँ पे हमारा ये येलो कलर आ जाएगा। तो यहाँ तक दोनों साइड से ही ये ब्राउन कलर के फंदे कम होते जाएंगे और येलो से दोनों साइड से दो दो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। तो आइए मैं इनको कर लेती हूँ, इसके आगे आपको फिर दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपना बनाते हुए इसको
ये देखिए नीचे की तरफ फिर से आ गए हैं, जैसे हम यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे उसी तरह से नीचे की तरफ आ गए हैं। अब फिर से हम ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ पर ये देखिए जैसे ही हमने इसको बढ़ाया है उसी तरह से फिर से हम यहाँ पे कम करेंगे दो फंदों तक, जैसे हमने ये नीचे से शुरुआत की है सेम उसी तरीके से। तो देखिए इतना इसको हम बना लिए हैं। अब ये देखिए फिर से हम क्या करेंगे इसमें, अब हमारे येलो वाले फंदे कम होंगे और ब्राउन कलर से बढ़ेंगे जैसे हमने नीचे करे थे उसी तरह से। ये देखिए एक दो, और बीच वाले फंदे दोनों साइड से उसी तरह से कम करेंगे अब येलो वाले जैसे मैंने यहाँ से किए थे। ये देखिए सेम तरीके से इस साइड से भी हम दो फंदा अपना ब्राउन कलर से लेंगे। इसको बनाना बिल्कुल इजी है और इसको अपने हिसाब से आप लंबाई चौड़ाई इसकी आप रख सकते हैं जैसा भी आपको बनाना है। ये देखिए दो फंदा हम इधर भी अपना इसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्राउन कलर से बनाते हुए दो फंदों तक आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पे दो फंदे थे सेम तरीके से, और इसके बाद आपको हम फिर से दिखाएंगे। तो हम इतना इसको दो फंदे तक रहने तक येलो के दो फंदे ही रह जाएंगे, सारे फंदे दोनों साइड से कम हो जाएंगे। तो मैं बना लेती हूँ इतना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी ये पत्ती फुल बन चुकी है और यहाँ पे हाफ पत्ती है। ये देखिए जिस तरह से हम ऊपर की तरफ गए हैं उसी तरह से नीचे की तरफ आ गए हैं। अब फिर से हम अपना ऊपर की तरफ जा रहे हैं और आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं जितनी भी आपको लंबाई चाहिए। इस तरह की यहाँ पे फुल पत्ती बीच में बनेगी और बंद करने के बाद इसी तरह की हाफ पत्ती यहाँ पे बनके आपकी कंप्लीट होगी जैसे कि ये बनी हुई है उसी तरीके से। और बीच में आपकी ये फुल पत्तियाँ बनके जितना भी बड़ा आपको चाहिए आपने इसी तरह से फुल पत्तियाँ बीच में बना लेनी है। तो देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसको हम इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इजी है बनाने में एकदम, ये देखिए इस तरह से। तो आइए मैं इसको इसी तरह से पूरा करती हूँ और इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। अब ये देखिए ब्राउन वाले फंदे यहाँ पे फिर से कम हो रहे हैं, ये हमारा डिजाइन इस तरह से जा रहा है। फिर उसी के बाद हमने बंद करना है, बस इसी तरह से बनाना है और लास्ट में हम बनाएंगे जब तो यहाँ पे इतनी पत्ती हम बना के उसको सभी फंदों को बंद कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे अब सभी ब्राउन कलर के फंदे अपना बंद कर देंगे तो यहाँ पे सभी येलो आ जाएगा। अगर आपने इतना ही बड़ा बनाना है तो आप यहीं से सभी फंदों को बंद कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हुए हैं।